साइन का क्या हो जाएगा, लंबटा कर्ण। त्रिकोणमिति में समकोण होना अति आवश्यक है, बिना समकोण के त्रिकोणमिति संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण, जिसको कैसे लिखते हो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, लंब को यल से, और जिस पर कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आधार, और इसको ए से लिखते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे समझना है। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ साइन थीटा यल वाई के मतलब लंबटा, लंबटा कर्ण। इसके पहले कई वीडियो पड़े हैं त्रिकोणमिति संबंधित, उसे देख लीजिए, चतुर्थांश के फार्मूले के सभी वीडियो पड़े हैं, आराम से देखना। तो लंब, लंब यदि इसका नामकरण कर दें तो ए बी और क्या सी, तो लंब क्या होगा हमारा ए बी होगा और कर्ण हमारा ए सी होगा, कर्ण ए सी होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए बटा ए वाई के, ए वाई के आधार कर्ण, टेन एल वाई ए लंब बटा आधार। ये बात ध्यान रखना, तीनों एक जैसे नहीं मिलेंगे, देखो एक जैसा नहीं है, इसमें लंब बटा कर्ण तो इसमें आधार बटा कर्ण, इसमें लंब बटा आधार, तीनों एक जैसे नहीं है। अब इसी का उल्टा ये तीनों हो जाएंगे, इसका उल्टा ए, इसका उल्टा ए और इसका उल्टा ए। तो उल्टा का मतलब अब नीचे से देखोगे तो कौशिक का के वाई एल मतलब कर्ण बटा लंब है, ये देखो है कि नहीं, कर्ण बटा लंब उल्टा हो गया। हम इसको भी उल्टा कर देते हैं तो से के बटा ए, के बटा ए, तो इसको क्या लिखोगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा, थीटा सभी में लगा दो, थीटा सभी में लगा दो, तो ए बाई एल, ए बाई एल आधार बटा लंब। देखो इसका उल्टा है, ए टेन का क्या है, उल्टा है, इसमें लंब बटा आधार, तो इसमें यही आपका बेस है, इसे ही समझ लो पहले, इसे ही समझना है आपको। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा जिसके नीचे जो है उसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा, कॉस थीटा वन बाई सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा तो वन बाई कॉट थीटा, वन बाई कॉट थीटा, मैथ का यही बेस है। यदि आपको यही नहीं आता है, इसीलिए जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देखें पहले तो समझे नहीं कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये, पहले इसे समझो, उसके बाद वो आसानी से हल होगा। सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान, और नहीं समझ में आया तो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। अब ऐसे ही यहाँ कॉट थीटा बराबर लिखोगे वन बाई टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। अब इन सब फार्मूले का ज़रूरत अभी पड़ेगा, इसे मैं हटा देता हूँ। अब आपको कुछ फार्मूले देखना है, जैसे यहाँ पर आप साइन लिखोगे और बीच में वन साइन, और इसके सीट पर टेन लिख दो, और यहाँ पर कॉट लिख दो, यहाँ पर कॉट, ए टेन कॉट, यहाँ पर कॉस लिख दो, कॉस कॉस सिक, और ये क्या हो जाएगा, कॉसिक कॉस। ये पहले समझ जाओ, एक आकृति इसे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, इसे याद कर लेना कि साइन के साथ कॉस टेन कॉट, और यहाँ सिक, और क्या, कॉसिक।
अब इसका इसमें गुणा करोगे तो वन आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे वन। प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं कैसे, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। अब प्रूफ करते हैं तो साइन थीटा इंटू इसको लिख सकते हो साइन थीटा, लिख सकते हो साइन से साइन कैंसिल, यही हमारा क्या आया वन, एक आ गया। तो इसी प्रकार सभी को लिखते हैं, इसका इधर ऐसे। तो दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। अगला टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू वन, ये फार्मूले हो गए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा बराबर क्या, यहाँ पर इसको ब्रेक करो, इस साइड लाओगे बॉर्डर क्रॉस मतलब टेन थीटा। देखो हो गया कि नहीं, कहीं से कुछ भी कर सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर कर सकते हो, कर सकते हो, इधर लाओगे वन बाई साइन थीटा। अब आपको देखना है क्लॉकवाइज, क्या देखना है क्लॉकवाइज। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अब बट बाई कॉस थीटा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो कॉस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, बाई में साइन थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, स्टार लगा लो, लिख लो। अब सर्वसंख्या वाला देखते हैं तो इसका इससे हटा देते हैं, कलरफुल इसको भी कलरफुल। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अब उसी को समझते हैं, इसे हटा दें। तो सर्वसंख्या में सब पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जितने भी क्वेश्चन आप सिद्ध करने वाला प्रूफ करने वाला होगा इन सब का यूज ज़रूर रहेगा, जितने अभी तक फार्मूले बताएं। अब ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हो, तरीका वही जानना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर को इस साइड लाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा उसका उल्टा, जैसे गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ का घटावा घटाना, ठीक, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और भी इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर में तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और भी लिख सकते हो, जैसे इसका परिवर्तन कर सकते हो कॉस थीटा बराबर रूट में वन माइनस वन बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। इसको और भी लिख सकते हो क्या, कॉसिक कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई में कॉसिक स्क्वायर थीटा, इतने को इतना लिख सकते हो। ऐसे इसको भी चेंज कर सकते थे तो साइन थीटा रूट में वन बाई से लिख सकते हो सेक अ सेक को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक मिनट हाँ सही है। और यहाँ पर क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, या इसको रूट हटाना चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन अब आई में कॉसिक थीटा, रूट हट गया, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे और ये हट जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। तो यही सब तरीका है, यही दे दिया जाता है कि इसको इस रूप में ला दो, किस रूप में कॉस में,
सिद्धि तो कर रहे हैं सब, ये सिद्धि किया गया है। ठीक, मतलब एक को बहुत तरीके से लिख सकते हो, और भी तरीका बताएं, लिख लो पहले। दूसरा होगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर से चलते हैं तो क्या हुआ, वन प्लस सभी का स्क्वायर कर देते हैं, सभी का स्क्वायर, तो ये तो मूल फार्मूला हुआ। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिख सकते हो, और अगला कॉसेक कॉसेक थीटा रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अब लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक दो तीन और क्या चार। अब इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज किसमें, साइन में, और इसको टेन में, किसमें टेन में चेंज करके देखते हैं। जैसे इसको तो क्या हो जाएगा, रूट में वन में टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अबाई में टेन थीटा, टेन थीटा कैसे होगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट हटा दिए, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू यहाँ लिख सकते हो टेन को कॉट में, मतलब कॉट थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत तरीके हैं लिखो। अब तीसरा मैं देखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा क्या हो जाएगा, इधर से चलते हैं यही बना लो, इधर से चलते हैं इसमें ऐसे, इसे समझना है, पहले दो को जोड़ना है, पहले दो को जोड़ना है, तीसरे को बराबर करना है, यही ध्यान देना है। तो साइन स्क्वायर वो भी सभी का स्क्वायर कर देना, सभी का स्क्वायर, तो ये पहला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन का स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वन लिखा जाता है। अब इसमें भी ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए तो वन का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर और इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो ये भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब तीसरा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट की दो को जोड़ो, टेन थीटा प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, ये तीन है, तो इसे अब कई रूप में इसको भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख लो। तो पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं, तो सबसे पहले आपका जो कोण होगा वो समकोण होगा, कौन सा कोण, समकोण, समकोण का मतलब यहाँ 90 डिग्री, और इसका ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, यदि थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं तो लंबे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने थीटा नहीं लिखा, थीटा के सामने वाली भुजा हमारा क्या होगा, लंब होगा, और बड़ी भुजा कर्ण होगा, और जिस पर बनेगा कोण वो हमारा आधार होगा। पाइथागोरस प्रमेय था किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर कण का वर्ग के बराबर होगा, सीधा सीधा ऐसे समझ लो, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और कण के स्क्वायर के बराबर होगा, यही हमारा क्या है,
पाइथागोरस प्रमेय, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और क्या के का स्क्वायर। यदि इसमें आपको ए नहीं पता है तो ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब ए बराबर हो जाएगा रूट में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको एल नहीं है तो रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ए और एल का भी मान। और के बराबर हो जाएगा रूट में ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तीनों का वैल्यू आउट। तो पहला देखते हैं चार और तीन का है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा पाँच। हल करके चेक कर लेते हैं, चार चौका सोलह और तीन त्रिका नौ, और सोलह नौ कितना हो जाएगा पच्चीस, मतलब इस पाँच के वर्ग के बराबर है। इसी प्रकार बारह और पाँच, बारह ब्रह्म एक सौ चौवालीस और ये पश्चिम पच्चीस, पच्चीस बारह यहाँ क्या आ जाएगा तेरह, मतलब एक सौ उनहत्तर, मतलब तेरह के साथ पाँच बारह, तो क्या क्या तेरह बारह पाँच, तेरह बारह पाँच, यहाँ पर पाँच चार और क्या तीन, पाँच चार और तीन। और भी देखते हैं, जैसे ये पच्चीस आपका हो जाएगा यहाँ सात और यहाँ चौबीस, तो 24 का 576 सौ छिहत्तर उनचास और ये 625 यदि वर्ग करोगे तब, तो देखो इसका योग इसके क्या है बराबर है, ऊपर वाले के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 12 16 और क्या 20, 12 ब्रह्म में 144 और 256, छप्पन दो सौ चौवालीस कितना हो जाएगा 400, मतलब जो 20 के वर्ग के बराबर होगा, 20 के वर्ग के बराबर है। तो लिख लीजिए ये भी, अब आपको चतुर्थांश समझना है, इससे अच्छा कम से कम 48 फार्मूले देखना है, कितने 48 फार्मूले समझना है चतुर्थांश को बनाते हैं। ऐसे मैं निर्देशांक में भी बनाया था, किसमें निर्देशांक में, तो ये 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, 270 और 3, पूरा ऐसे घूम जाओगे तो 360 हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय और इसे क्या चतुर्थांश। ये 90 से कम है तो इसे 90 से कम कर दो, ये 90 से अधिक है तो 90 से प्लस कर दो, 180 से कम है 180 से अधिक है तो अधिक कर दो, 270 से कम है कम कर दो, 270 से अधिक है अधिक कर दो, और 360 से कम है कम कर दो, और 360 से जब इसे पूरा घूम जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 360 से ज़्यादा होने लगे। ये बात समझ में आ गया, पहले में क्या 90 से कम, ये 90 से अधिक, 180 से कम, 180 से अधिक, 270 से कम, 270 से अधिक। अब ये इसमें आल प्लस होगा, आल का मतलब आल प्लस मतलब छह जितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सिक, ये छः का मान इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस होगा, इसे हटा देते हैं, ये छः इसमें क्या होंगे प्लस होंगे, इसमें साइन प्लस होगा और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक भी प्लस होगा, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक भी प्लस होगा, ये ध्यान देना है। चलो इसे भी छोड़ देते हैं, साइन इसमें टेन प्लस, इसमें टेन प्लस और इसमें कॉस प्लस, तो इसका शॉर्टकट याद कर लेना ASTC। ए का मतलब ऑल प्लस, एस का मतलब साइन प्लस और टी का मतलब टेन प्लस और सी का मतलब कॉस प्लस। तो पहले में क्या होगा
r प्लस, दूसरे में साइन प्लस, तीसरे में टेन प्लस और चौथे में कॉस प्लस होगा। अब इसके व्युत्क्रम भी देख लेते हैं, कॉसेक भी इसमें क्या होगा प्लस होगा, और इसमें कॉट भी प्लस होगा, कॉट भी क्या होगा प्लस अपने जोड़ीदार के साथ, और इसमें सेक भी प्लस होगा, सेक भी क्या होगा प्लस होगा। अब बात होता है कि इसका मान कैसे रखा जाएगा, कौन सा चिन्ह होगा कौन सा नहीं, आज आपको याद ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो पास में है ये सब नो चिन्ह, जो पास में है ये सब नो चिन्ह, ध्यान से देखना, जो पास में है वो नो चिन्ह। जैसे 180 का मान या 360 प्लस थीटा का मान, या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये सब नो चिन्ह। बाहर वाले क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, बाहर वाले क्या हो जाएंगे चेंज, ऐसे समझ लो जो बाहर चला गया वो चेंज हो गया, जो यहाँ रहा वो नहीं चेंज हुआ, जो यहाँ रहा वो नहीं चेंज, अब बाहर वाले क्या हो गए चेंज। ये बाहर का मतलब ये दूर है, चतुर्थांश से क्या है दूर है, दूर वाले चेंज हो गए, नज़दीक वाले नहीं। तो समझते हैं अब कैसे चेंज हुए, सबसे पहले देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा ये देखते हैं तो इसका मान होगा कॉस थीटा, साइन का किस में चेंज कॉस में, साइन का कॉस में, फिंगर से देख लो साइन का कॉस में, और टेन का कॉट में, और कॉसेक या सेक का कॉसेक में। तो साइन का कॉस में चेंजिंग ऐसा होता है, साइन का किस में होगा साइन का कॉस में, ये ध्यान देना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है लेकिन चेंज किस में होता है कॉस में अपने पड़ोसी के साथ, और टेन टेन अपवाद है एक कॉट में ही होगा, इसका चाहे व्युत्क्रम देखो या पड़ोसी देखो ये सब क्या होगा इसका कॉट ही होगा। और सेक किस में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, कॉस साइन में और कॉट टेन में, ये तो चेंजिंग हुआ, चेंज इसी को बोलेंगे, चेंज इसी को बोलेंगे। तो साइन अगला हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और भी देख लेते हैं कॉसेक सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक, और सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखो इसमें सभी वैल्यू जो भी आए वो क्या आए पॉजिटिव आए, यही समझाने का मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मान आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, आल प्लस हो गए, आल प्लस हो गए, चेंज भी हुए, देखो ये वाला चेंज हुआ साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, ये भी चेंज होगा, और इसका मान प्लस ही होगा क्योंकि साइन इसमें क्या होता है प्लस होगा। अब माइनस कैसे होगा देख लेते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये ध्यान देना है जो वैल्यू आ रहा है वो नहीं ध्यान देना है, जहाँ से बन रहा है वो उसका मान प्लस होगा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, देखो माइनस आ रहा है कि नहीं, इसमें माइनस इसमें भी माइनस। अब इसका उपयोग कहाँ होगा, जैसे 135 का मान निकालना होगा 120 का, तो साइन 90 प्लस 30 कर दोगे 120 का मान निकल आएगा, साइन 90 प्लस 60 कर दोगे तो क्या 150 का मान बाहर आ जाएगा। अभी बताएंगे ये कैसे होगा। तो सभी में छह फार्मूले, इसमें भी छह फार्मूले, इसमें भी छह फार्मूले, इसमें भी छह, इसमें भी छह, इसमें भी छह, इसमें भी छा, यहाँ भी छा, यहाँ भी छा, तो एक में 12 और 12 चौका 48 फार्मूले आपको देखना है, कितने 48 फार्मूले आपको देखना है। पहले तो ये बात समझ जाओ 48 फार्मूले आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, अभी तक आपको एक भी फार्मूले रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या रटना था लाल बटा कक्का को समझना था, उसके बाद धक्का लगा देते खुद ही समझ में आ जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, अब 180 का समझते हैं, इसे हटा दें, ठीक इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा हटा दें, तो 180 का देख लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, ये सब नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन में ही रहेगा, और ये प्लस भी रहेगा, ये प्लस भी रहेगा क्योंकि साइन प्लस में होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक कॉस थीटा ही होगा और माइनस में, और टेन
180 माइनस थीटा, ये माइनस टेन थीटा ही होगा, क्योंकि नो चेंज, नो चेंज का मतलब ऐसे ही होता है, चेंज नहीं होगा लेकिन सिंबल रखा जाएगा, चिन्ह रखा जाएगा, अनो चेंज। ऐसे ही ये तो तीन हो गए, अब ऐसे ही आपको कॉट 180 का देखना है, 180 माइनस थीटा, तो कॉट क्या होगा, कॉट, कॉट भी माइनस हो जाएगा। मान देखो कॉट का कॉट में ही आए, टेन का टेन, कॉस का कॉस और साइन का साइन। ऐसे ही कॉसिक, कॉसिक को ध्यान रखना है, ये प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कॉसिक थीटा, असिक थीटा ये माइनस में ही होगा, तो ये माइनस एक थीटा। अब 106 फार्मूले आ गए, अब 180 प्लस थीटा बराबर देखते हैं, तो सभी में प्लस, इसे लिख लो, हम इसी में बना दे रहे हैं, सभी को प्लस देखते हैं, ये भी नो चेंज होगा लेकिन सिंबल का चेंजिंग हो जाएगा। अब इसमें ये साइन माइनस में हो जाएगा, साइन क्या माइनस, टेन प्लस में हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा प्लस में, और कॉट भी प्लस में, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस, ये दो प्लस में हो जाएंगे, बाकी सब माइनस में। 180 का भी हो गया, समझ में आ गया। ऐसे 270 का हो जाएगा 270 प्लस का और माइनस का, 360 का भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर यदि आपको यह चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिए और इसे भरपूर समझ लीजिए, तभी यह समझ में आएगा, तभी ये समझ में आएगा, और इससे 48 फार्मूले बन जाएगा। इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा जैसे 225 का मान निकालना है, कॉट 225 का, तो वहाँ यूज होगा, तो लिख लीजिए। इसी प्रकार 360 का भी हो जाएगा, 360 का मैं देख लेता हूँ, 360 का, 360 का, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 थीटा के स्थान पर फाई ए कुछ भी रहेगा वो आ जाएगा। जैसे मैं 360 ए लिख दिया तो यहाँ ए आ जाएगा, थीटा लिखे तो थीटा आ गया, फाई लिखे तो फाई आ गया, जो भी लिख देंगे, राम लिख देंगे तो राम आ जाएगा, 30 लिख देंगे तो 30 आ जाएगा, कुछ भी लिखोगे, जो भी लिखोगे वहाँ ए आ जाएगा। अब माइनस का समझ लेते हैं, क्या होगा, नो चेंज होगा, 360 नो चेंज होगा, ये माइनस तो होगा, ये कन्फर्म है, कॉस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, और सेक वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये पुनः आ गया 360 का भी। यदि ये बातें समझ में आ गया हो तो वैल्यू देख लेते हैं, साइन कॉस टेन, कॉटेक कॉट सेक और क्या कॉसेक, वैल्यू देख लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ क्या 0 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90, 90। तो यहाँ होगा 0, यहाँ 0, साइन 30 का मान 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1 हो जाएगा। अब इसको इधर से लिख देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1/√3/2 हो जाएगा और इसका 1/2, इसको अब लिखेंगे 1/0 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो 0 में 1 का भाग मतलब 0, इसमें भाग दोगे तो 1/√3 आएगा, इसमें भाग दोगे दोनों कट जाएगा, इसमें भाग दोगे तो √3 आ जाएगा और इसमें भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाए। टेन का उल्टा लिख दोगे कॉट हो जाएगा, मतलब इधर से लिख दोगे √3 और क्या 1/0। अब सेक का लिखना है तो सेक क्या करोगे, कॉसेक का उल्टा कर दोगे, उल्टा कैसे होगा, 1/ करके कर देना, उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा करोगे तो 1/1=1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये 2 और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट।
अब इसका उल्टा लिख दो, ए हो जाएगा, यहाँ लिखोगे इनफाइनाइट, ए टू हो जाएगा, रूट टू और टू बाई रूट थ्री आई वन, याद हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। पहला जीरो से स्टार्ट करेंगे, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, इसका उल्टा इधर से लिख दिए, देखो इधर से मैंने इसको लिख दिया, अब इसमें इसको भाग दे दिया टेन का आ गया, और टेन का उल्टा लिख दिया कॉट का हो गया, और कॉस का उल्टा लिख दिया सिक का हो गया, वन बाई लगाकर याद हो जाएगा। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, जैसे दिया रहेगा साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 120 का मान, तो साइन 90 प्लस क्या लिखोगे 30, 90 प्लस 30, तो साइन 90, तो 90 प्लस 30 है, चेंज होगा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का, तो कॉस 30 का मान कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो साइन 120 का मान आ जाएगा यहाँ ज़ीरो, साइन 30 का मान 1 बाई टू, इसका 1 बाई रूट टू, इसका रूट थ्री बाई टू, और इसका 1 हो जाएगा। अब इसको इधर से लिख देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बाई रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, और इसका 1 बाई टू, इसको अब लिखेंगे 1 बाई आज 0 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो जीरो में एक का भाग मतलब ज़ीरो, इसमें भाग दोगे तो वन बाई रूट थ्री आएगा, इसमें भाग दोगे दोनों कट जाएगा, इसमें भाग दोगे तो रूट थ्री आ जाएगा, और इसमें भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाए। टेन का उल्टा लिख दोगे कॉट हो जाएगा, मतलब इधर से लिख दोगे रूट थ्री, और क्या वन, वन बाई और ये ज़ीरो। अब सेक का लिखना है, तो सेक क्या करोगे कॉसेक का उल्टा कर दोगे, उल्टा कैसे होगा वन बाई करके कर देना, उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा करोगे तो वन बाई वन इक्वल टू वन हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू और ए टू, और वन बाई ज़ीरो का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इसका उल्टा लिख दो, ए हो जाएगा, यहाँ लिखोगे इनफाइनाइट, ए टू हो जाएगा, रूट टू और टू बाई रूट थ्री आई वन, याद हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। पहला जीरो से स्टार्ट करेंगे, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, इसका उल्टा इधर से लिख दिए, देखो इधर से मैंने इसको लिख दिया, अब इसमें इसको भाग दे दिया टेन का आ गया, और टेन का उल्टा लिख दिया कॉट का हो गया, और कॉस का उल्टा लिख दिया सिक का हो गया, वन बाई लगाकर याद हो जाएगा। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, जैसे दिया रहेगा साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 120 का मान, तो साइन 90 प्लस क्या लिखोगे 30, 90 प्लस 30, तो साइन 90, तो 90 प्लस 30 है, चेंज होगा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का, तो कॉस 30 का मान कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो साइन 120 का मान आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखना है।